अस्सलाम वालेकुम, टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद। आपका इन दोस्त चैनल। हरियाली देखकर इंसान को एक जहनी सुकून मिलता है, और हरियाली की बात करें तो सबसे पहले जो इंसान का ध्यान जाता है वो घास यानी ग्रास की तरफ है। तो आज की वीडियो में हम आपको ग्रास के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता रहे। दुनिया में इस वक्त 12,000 से भी ज्यादा इंसान की मुख्तलिफ घासें मौजूद हैं, जिनमें मशहूर हैं बहिया ग्रास, बफेलो ग्रास, केंटकी ब्लू ग्रास, जोइसा ग्रास, बरमूडा ग्रास वगैरह। मगर हम सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 3 किस्म की मशहूर ग्रास की इकसाम है जो लगाई जाती हैं, जिनमें शामिल है कोरियन ग्रास, फाइन ढाका ग्रास और अमेरिकन ग्रास। आइए चलते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोरियन ग्रास की तरफ। कोरियन ग्रास बेसिकली बरमूडा ग्रास की फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये कारपेट की तरह होती है और ये दूसरी ग्रास से थोड़ा सा स्लो ग्रो भी करती है, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये कूलर क्लाइमेट में ही चलती है और शेड में भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाती है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा रफ होती है और आपके पैरों में चुभेगी। कोरियन ग्रास मेंटेनेंस में भी आसान है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, इस वजह से इसको काटने की भी जरूरत साल में 2 से 3 दफा पड़ती है, और ये कम पानी और कम धूप में भी बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाती है। अब आ जाते हैं फाइन ढाका ग्रास की। ये भी बहुत मशहूर ग्रास है जो सब कॉन्टिनेंट में लगाई जाती है, और ये भी बरमूडा ग्रास की फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसके लगाने की अहम वजह यह है कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है और कीमत में भी दूसरी ग्रास से कम है। फाइन ढाका ग्रास की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो इसकी मेंटेनेंस में इसको हर थोड़े दिन बाद कटवाना लाजमी है। दूसरा, इसको अच्छी धूप और पानी की भी जरूरत पड़ती है। आखिर में आ जाते हैं अमेरिकन ग्रास की तरफ। अमेरिकन ग्रास सब कॉन्टिनेंट खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है। अमेरिकन ग्रास फाइन ढाका ग्रास और कोरियन ग्रास से निस्बतन महंगी ग्रास है। इसको ग्रो करने के लिए अच्छी सनलाइट यानी कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप और बहुत फ्रिक्वेंटली इसको पानी देने की जरूरत होती है, जिसके बाद एक लश ग्रीन ग्रास फील्ड के तौर पर अमेरिकन ग्रास सामने आती है जो हर मौसम में आराम से सर्वाइव कर जाती है। इसीलिए नॉर्मली बड़े ग्राउंड और स्टेडियम्स में भी अमेरिकन ग्रास ही यूज की जाती है। अगर आपके यहाँ ग्रास है या आप ग्रास लगवाना चाह रहे हैं तो कौन सी ग्रास लगवाएंगे, इसको जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।